जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं साल 2022 के राशिफल के साथ। मीन्स ये है राशिफल 2022 इन हिंदी। इसमें हम जानने जा रहे हैं कि वृष राशि के लिए 2022 कैसा रहेगा, उस पर भी विशेषकर 2022 में वृषभ राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस बात की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ध्यान रहे कि यह वार्षिक राशि भविष्य 2022 है। इसमें हम वार्षिक राशिफल यानी कि ईयरली होरोस्कोप बताएंगे। अंग्रेजी में बोले तो इस 2022 गुड फॉर टॉरस हेल्थ, अथवा इस 2022 गोइंग टू बी अ गुड ईयर फॉर टॉरस हेल्थ। और टॉरस हेल्थ होरोस्कोप फॉर 2022 की पड़ताल के लिए हम आगे बढ़ें, इससे पहले आपको बता दें कि यह राशिफल लग्न पर आधारित राशिफल है। यदि आप लग्न के माध्यम से इसे देखेंगे तो परिणाम ज़्यादा सटीक होंगे। बाकी लग्न का पता नहीं है अगर आपको, तो आपकी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि आप लग्न का पता करें। इसके लिए बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, आप astrosage.com पर जाकर के भी निःशुल्क अपना लग्न जान सकते हैं। वहाँ पर हमारी भी प्रोफाइल है, आप वार्ता के माध्यम से हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, या फिर आप अपनी राशि के अनुसार या नाम राशि के अनुसार भी अपने भविष्य की टोह ले सकते हैं। टॉरस होरोस्कोप हेल्थ 2022 यानी कि वृष राशि 2022 हेल्थ को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि वृष राशि वाले लोगों के लिए इस वर्ष प्रमुख ग्रहों के गोचर कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पर ही वृष राशि 2022 स्वास्थ्य संबंधी परिणाम का भविष्य फल या भविष्य कथन किया जाएगा। तो साल 2022 में वृष राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, यानी वृष राशि होरोस्कोप विशेषकर वृष राशि 2022 हेल्थ की चर्चा या टॉरस साइन हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं फेस करेगी, ये सब जानने के लिए हम शनि, गुरु, राहु, केतु इन प्रमुख ग्रहों के साथ साथ मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह के गोचर का विशेष अवलोकन करेंगे। अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि आपके लग्न भाव यानी कि प्रथम भाव में 12 अप्रैल 2022 तक राहु का गोचर विद्यमान रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस गोचर को अच्छा नहीं कहा जाएगा, अतः इस अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना होगा। साथ में ध्यान इस बात का भी रखना है कि आप अपने आप को बीमार होने का भ्रम ना पालें, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव असल में बीमारी जितनी बड़ी नहीं होती उतनी बड़ी दिखाता है, यानी छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी नज़र आती है। जब कभी यह बात मन पर ज़्यादा प्रभाव डाले या डालने लग जाए तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी पैथोलॉजिकल जांच या जो भी जांच होती हैं जिनसे पुष्टि हो कि रोग है या नहीं, उन्हें करवा लेना चाहिए और डॉक्टर की बात माननी चाहिए, क्योंकि हमने अपने अनुभव में कई बार देखा है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति बीमार न होते हुए भी खुद को बीमार समझने लग जाता है। अतः जब कभी भी मन में इस तरीके का भ्रम आए कि हम बीमार हैं तो उसे तुरंत बाहर निकालने का प्रयास करें और चिकित्सक से सलाह लें, सलाह करके अपनी जांच करवा लें और खुद को तसल्ली देते हुए स्वस्थ बने रहें। शनि का गोचर इस साल आपके नवम और दशम भाव में बना रहेगा, लेकिन 29 अप्रैल 2022 से लेकर के 12 जुलाई 2022 के बीच का समय या इसके अलावा जो बाकी का समय है उसमें शनि का प्रभाव छठे भाव पर बना रहेगा। ऐसी स्थिति में आपके स्वास्थ्य को कोई बड़ी नई समस्या नहीं आने पाएगी, लेकिन यदि पहले से कोई समस्या है तो वह धीरे धीरे ही जाएगी। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपको कमर या उसके आसपास की तकलीफ न होने पाए। यदि आपका काम वज़न उठाने का है तो बड़ी ही तसल्लीपूर्वक वज़न उठाएँ, हड़बड़ी में ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको पीठ की समस्या हो जाए या पीठ की समस्या उत्पन्न हो। मंगल ग्रह के गोचर की बात की जाए तो मंगल ग्रह 26 फरवरी 2022 तक बीच बीच में कुछ प्रतिकूलता दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में बुखार, सिर दर्द, क्रोध, चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं रह सकती हैं। विशेषकर 16 जनवरी 2022 से 26 फरवरी 2022 के बीच वाहन इत्यादि सावधानी से चलाने की सलाह आपको दी जाती है। इसके अलावा 27 जून 2022 से 10 अगस्त 2022 के बीच मंगल वृष राशि में गोचर करेंगे, उस अवधि में भी आपको खुद को तनाव मुक्त रखने की सलाह दी जाती है। उस समय प्रॉपर नींद का आनंद लें, रात्रि में बेवजह न जगें, ऐसा करके भी आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख पाएंगे। इन समय अवधियों यानी इन टाइम ड्यूरेशंस के अलावा बाकी के समय में मंगल आपको अनुकूलता देते रहेंगे।
अब हम आपके लग्न भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी शुक्र के गोचर को देख लेते हैं कि वह आपको कब कब कमजोर परिणाम दे सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर 27 फरवरी 2022 तक शुक्र का गोचर छठे भाव में रहेगा। इस समय में आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना जरूरी रहेगा, खासकर वाहन इत्यादि सावधानी से चलाना है। इस समय अवधि में जननेन्द्रियों से संबंधित कुछ परेशानियां रह सकती हैं, अतः स्वच्छता का विशेष ख्याल रखते हुए अपने खान पान पर भी संयम रखना है। इसके अलावा शुक्र का गोचर जब 12वें भाव में होगा यानी मेष राशि में होगा, उस अवधि में थोड़ी सी सावधानी जरूरी रहेगी। हालांकि 12वें भाव में होने का दोष शुक्र को नहीं लगता, ऐसा ज्योतिषीय सूत्र कहते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में द्वादश भाव में जहां मीन राशि होगी वहां शुक्र उच्चावस्था में माना जाएगा। इसके बावजूद भी 23 मई 2022 से लेकर 18 जून 2022 के बीच यदि आप स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से जागरूक बने रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी इस समय कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी चैतन्यता आवश्यक रहेगी। इसके अलावा कुछ और खास टाइम ड्यूरेशंस हैं जिनमें शुक्र अस्त या फिर वक्री रहेंगे, जिसके चलते स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमजोरी या एनर्जी में थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है। वर्ष की शुरुआत से लेकर 29 जनवरी 2022 तक यानी कि पूरे साल में 29 दिनों के लिए शुक्र ग्रह वक्री रहेंगे। इसी बीच में थोड़ी सी जागरूकता दिखाने की ज़रूरत रहेगी। इसके अलावा इसी बीच में 6 जनवरी से 11 जनवरी के बीच शुक्र ग्रह अस्त रहेंगे। स्वाभाविक है कि इस अवधि में कहीं अलग से जागरूक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही जागरूक हैं, जैसा मैंने अभी अभी आपको सुझाव दिया था। लेकिन यह दोनों टाइम ड्यूरेशन एक साथ ही हैं, यानी जब शुक्र वक्री है उसी बीच में थोड़े दिनों के लिए अस्त भी हो जाएगा। अतः स्वाभाविक है कि जब आप साल की शुरुआत से लेकर 29 जनवरी तक जागरूक रहेंगे, अभी हमने आपसे कहा, तो इसी बीच में 6 तारीख से 11 जनवरी के बीच में 5-6 दिनों के समय में अलग से जागरूक होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साल में 2 अक्टूबर 2022 से लेकर 20 नवंबर 2022 के बीच यानी कि 50 दिनों के लिए शुक्र अस्त होंगे। इस बीच में भी थोड़ी सी जागरूकता जरूरी रहेगी, यानी कि साल में कुल मिलाकर 56 दिनों तक शुक्र ग्रह अस्त रहने वाले हैं। अतः तीन समय अवधियों में 3 टाइम ड्यूरेशंस जो हैं, जिनका जिक्र हमने अभी आपसे किया है, थोड़े से जागरूक बने रहने में कोई मेजर समस्या नहीं आएगी यदि आप जागरूक बने रहेंगे तो, बल्कि पिछले दिनों से चली आ रही समस्याएं ठीक होने लग जाएंगी, क्योंकि 12 अप्रैल 2022 के बाद राहु का गोचर आपके लग्न से हट जाएगा। अब क्या होगा, पिछली समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। यानी जो भी समस्याएं हैं तुलनात्मक रूप से 12 अप्रैल के बाद, स्वास्थ्य समस्याओं की बात कर रहा हूं मैं, ये ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। बाकी बीच बीच में छोटी मोटी समस्याएं आने वाली हैं, उनका उल्लेख मैंने कर दिया है, और साथ ही यह भी बता रहा हूं कि थोड़ी सी जागरूकता आपको पूर्ण रूपेण स्वस्थ रखेगी, अतः चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि कुछ खास ड्यूरेशंस में चिंतन मंथन और खुद की केयर करके आप खुद को फिट रख पाएंगे। सारांश यह है कि साल 2022 वृष राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए सामान्य तौर पर अच्छे रिजल्ट देगा। किसी नई समस्या के आने के योग नहीं है, बल्कि पुरानी समस्या के समाप्त तो होने के योग भी बन रहे हैं। तो इस राशिफल के माध्यम से आप अपने अच्छे व कमज़ोर समय को जानकर उसके अनुसार आचरण करेंगे और अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आइए अब यह जान लेते हैं कि यदि साल 2022 में वृष राशि वाले लोगों को कोई स्वास्थ्य वाली समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आती है तो कौन से उपाय करके आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख पाएंगे। साल 2022 में अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए आपको साल की शुरुआत के बाद किसी भी शनिवार से शुरू करके लगातार 4 शनिवार सूखे नारियल यानी जटा वाले जो नारियल रेशे सहित आते हैं, ब्राउन कलर के जो रेशे होते हैं, उन नारियल को 4-4 की संख्या में बहते हुए पानी में बहाना है 4 शनिवार। यह उपाय आपको 12 अप्रैल 2022 से पहले ही कर लेना चाहिए। 12 अप्रैल 2022 के बाद नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। यदि नींद में व्यवधान रहे तो सोने जाते समय अपने सिरहाने तांबे के लोटे में जल भरकर रखें और सुबह उठकर उसे किसी ऐसे स्थान पर डाल दें जहां किसी का पांव न पड़ता हो। अगर इन उपायों से आपको लाभ नहीं होता है, बहुत संभव कि होगा ही, अगर ना हो तो बहुत संभव है कि आपकी दशाएं प्रतिकूल हो सकती हैं, और अपनी विधिवत कुंडली दिखा करके अपनी दशाओं व अंतर दशाओं की अनुकूलता प्रतिकूलता जानकर
उनका उपाय करके आप बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले पाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि किसी जानकार ज्योतिषी से अपनी कुंडली चेक करवाएं। यदि आपकी इच्छा मुझसे अपनी कुंडली विश्लेषण करवाने की हो तो आप स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद हमसे सलाह ले सकते हैं। बस ये साधारण सी एक प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ ये बाध्यता नहीं है कि आप मुझसे ही सलाह लें, कहीं से भी सलाह लें, आप सुखी रहें, आनंदित रहें, हम तो बस यही चाहते हैं। और हाँ, एक बात गौर से सुन लीजिए, आपके काम की है, फायदे की है, आपकी राशि से जुड़े सभी मुख्य पहलुओं के अलग अलग वीडियोज हम बना रहे हैं, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उम्मीद है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने आने वाले साल को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रख पाएंगे। भगवान भोलेनाथ आपको निरोगी बनाए रखें। साल 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माई की। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।